एक्शन फॉर कृष्णा सैटिस्फेक्शन। तो सेवा तो करना है लेकिन मेंटालिटी और इंटेंशन क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण का संतोष के लिए सेवा करना है। तो जीवन में हमें संतोष चाहिए तो किसका संतोष के लिए सेवा करना है, कृष्ण का संतोष के लिए सेवा करना है। सैटिस्फेक्शन चाहिए तो सैटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली विल कम व्हेन यू वर्क फॉर कृष्णा सैटिस्फेक्शन। तो संसार में जनरली आप जिसको प्रेम करते हो उसका सैटिस्फेक्शन के लिए काम करते हो, है कि नहीं? तो प्रेम करना मतलब काम करना पड़ेगा, काम नहीं तो प्रेम नहीं। तो एक बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। तो गर्लफ्रेंड बोलती है जान मत देना, मेरी जान जान मत देना, दान दे देना, ओके थोड़ा क्रेडिट कार्ड दे देना मुझे। तो कहने का अर्थ है कि प्रेम में काम करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, किसका किसके लिए, प्रेमिका के सैटिस्फेक्शन। देयरफॉर आप भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान से सिर्फ दान नहीं लेना है, भगवान को दान देना है, तो सेवा करना है, कृष्णा सैटिस्फेक्शन। तो भगवान के लिए, भगवान के सैटिस्फेक्शन के लिए हम कार्य करते हैं तो स्वयं क्या रहेंगे, सैटिस्फाइड रहेंगे। ये जनरली लॉ है। क्यों ऐसा लॉ, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति तो कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है किंतु हम देख रहे हैं कि नेचुरली जितने भी धन लोगों के पास है, पावर है, पोजिशन है, उससे लोग संतुष्ट नहीं। इसका मेन कारण क्या है, जहां से संतोष प्राप्त होता है उसके थ्रू हम नहीं करते। आपको खाना खाना है तो जनरली खाना खाएंगे तो मजा किस में आएगा, किसके थ्रू खाना खाएंगे तो मजा आएगा, जीवा के थ्रू खाएंगे तो मजा आएगा, डायरेक्ट खट्टा करके पेट में भरेंगे मजा आएगा, पेट भर जाएगा लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार आप सेवा जब कर रहे हो मन में विचार क्या होना चाहिए, कृष्ण का सैटिस्फेक्शन के लिए मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान कृष्ण का संतोष के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। तब इस प्रकार भाव से जब हम करते हैं तो इन रियलिटी हमें सैटिस्फेक्शन मिलता है। और इस प्रकार भाव का मूल कारण क्या है, निस्वार्थ होना चाहिए। तो स्वार्थ को जब छोड़ते हैं, परमार्थ का संतोष के लिए कार्य करते हैं तब जनरली हमें क्या मिलता है, संतोष प्राप्त होता है, सैटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए ये सैटिस्फेक्शन कोई अचीवमेंट नहीं है, सैटिस्फेक्शन इज नॉट ए अचीवमेंट, सैटिस्फेक्शन इज ए डिसीजन। आप कहोगे कि मुझे ये मिलने के बाद मैं संतोष हो जाऊंगा, ये प्राप्त होने के बाद मुझे संतुष्टि मिलेगा, वो प्राप्त होने के बाद आपका लोभ बढ़ जाएगा और कुछ आपको चाहिए। इसीलिए सैटिस्फेक्शन इज नॉट ए अचीवमेंट, सैटिस्फेक्शन इज ए डिसीजन। तो कहने का अर्थ है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है तब आपका दुख का समाप्त है। आप जो प्राप्त हो आपके लिए वो पर्याप्त नहीं है तो आपका दुख का समाप्त है ही नहीं। इसीलिए जो मिल रहा है उसे संतुष्ट रहिए, लेकिन वो संतुष्ट रहने के पीछे हमारा मेंटेलिटी में क्या होना चाहिए कि भगवान का सेवा के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, इस प्रकार भावना होना चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है तो उसको सफलता कहते हैं, जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाता है उसको सफलता कहते हैं, जो आपको मिल जाता है उसको चाहने लगते हो उसको संतोष कहते हैं, सैटिस्फेक्शन कहते हैं।
तो इस फॉर्मूला से हमें जीना है। इसको कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो अति सहज से मिल रहा है, भगवान की कृपा से मिल रहा है, उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि हम निस्वार्थ पर सेवा कर रहे हैं ना, तो निस्वार्थ पर सेवा से चाहत नहीं रहता है, जो मिलता है उससे हमारा चाह बढ़ जाना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली साइंस ऑफ सीक्रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन।